नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 16 के विनर एमसी स्टैन इन दिनों खूब चर्चा में है। स्टैन के नाम के साथ काफी सारे विवाद जुड़ चुके हैं। इस बीच अब्दुल रोजिक और एमसी स्टैन के बीच का झगड़ा भी बढ़ता जा रहा है। तो वहीं तजाकिस्तान के सिंगर ने रैपर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस विवाद पर स्टैन अपनी चुप्पी बनाए हुए हैं, लेकिन इसी बीच एमसी स्टैन का एक वीडियो सामने आया है जिसे देख फैंस के जो है होश उड़ गए हैं। इस वीडियो में स्टैन अपने ही फैंस के साथ बुरी तरह से मारपीट करते हुए दिख रहे हैं, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल एमसी स्टैन इन दिनों इंडिया टूर पर हैं, जिसमें वह अलग अलग शहरों में जाकर कॉन्सर्ट कर रहे हैं। इसी बीच स्टैन का एक वीडियो जो है वो इंटरनेट पर सामने आया है, जिसने हर किसी के होश को उड़ा दिया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टैन अपने बॉडीगार्ड के बीच कॉन्सर्ट में एंट्री लेते हैं, तभी रैपर को फैंस घेर लेते हैं और उनके साथ सेल्फी की मांग करते हैं। लेकिन इस मौके पर स्टैन भड़क पड़ते हैं और सब पर चिल्लाने लगते हैं। इतना ही नहीं, स्टैन वहां मौजूद लोगों से हाथापाई करने के लिए आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन उनकी टीम के लोग रैपर को रोक लेते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देख कई लोगों ने स्टैन की औकात की बात कही है। बता दें कि एमसी स्टैन का नाम अब्दुल रोजिक भी मीडिया में बार बार ले रहे हैं। अब्दू की तरफ से सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया गया है एमसी स्टैन के खिलाफ, जिसमें उन्होंने स्टैन पर कई आरोप लगाए हैं। अब्दू की टीम की तरफ से कहा गया है कि स्टैन ने अभी कभी भी उनसे कॉन्टेक्ट नहीं करने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, स्टेट के मैनेजर ने अब्दू को कॉन्सर्ट से बाहर निकलवाया है और उनकी कार तक तोड़ने की बात कही है। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।